स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का वीडियो देखने जा रहे हैं और इस वीडियो का टाइटल है इंडियाज प्रोग्रेस थ्रू माई लेंस। सो पाकिस्तानी की दृष्टि से इंडिया की जो तरक्की हो रही है वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हैं और उनके जो विचार है वो बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स। हम लोगों ने बचपन में एक बुक पढ़ी है जिसका नाम होता है सोशल स्टडीज। पाकिस्तान में एक किताब क्लास 5 से क्लास 12 तक पढ़ाई जाती है और मुझे उम्मीद है कि इतना ही अर्सा तकरीबन ये इंडिया में पढ़ाई जाती है। इसके साथ ही इसका एक रेप्लीकेट बुक होती है जिसका नाम होता है पाक स्टडीज, यानी जाके पाकिस्तान स्टडीज। अब इन बुक्स का मकसद क्या? इन बुक्स का मकसद ये होता है कि जिस कंट्री में लिखी जाए उस कंट्री को ये ब्यूटीफाई करें जहाँ तक हो सके। पाकिस्तान में जो किताब लिखी गई है पाक स्टडीज़ की या सोशल स्टडीज़ की जो हमने पढ़ी है उसके अंदर लिखा होता है कि पाकिस्तान ने किस तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की, किस तरह स्पोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान आगे निकल गया, किस तरह पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कितनी इंपॉर्टेंट जगह पर है, किस तरह पाकिस्तान 3 जंगें जीता इंडिया से 1965 की, 71 की और 1999 की, और किस तरह बांग्लादेश में कुछ गद्दार लोगों ने वो मुल्क ही हमसे अलग करवा दिया। लेकिन क्या ये सब कुछ रियलिटी है? तो ऐसा नहीं। लेकिन रियलिटी बहुत स्लोली स्लोली इंसान को समझ आती है और ये इजीली समझ नहीं आती, क्योंकि हमने अपनी सियासत का आगाज तकरीबन सोशल स्टडी की बुक से ही किया होता है और हमारे जहन के अंदर वो चीज़ें मजबूती के साथ बैठी होती हैं। 2018 के अंदर मैं चाइना गया और मेरे साथ मेरे बहुत से इंडियन दोस्त भी बन गए वहाँ के। मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि हर एक साल के बाद मुझे मेरी करेंसी डाउन हो रही थी और मुझे जो आरएमबी था जो चाइना की करेंसी है वो महंगी मिल रही थी। यानी कि जब मैं 2018 में चाइना गया तो मुझे 17 रुपये में एक आरएमबी मिल रहा था, इंडियंस को 10 रुपये में मिल रहा था। 5 साल के बाद मुझे 40 रुपये में मिलना शुरू हो गया जबकि इंडियन को वही तकरीबन 11 रुपये में मिल रहा था। यानी कि हर साल के बाद मेरा लिविंग स्टैंडर्ड इंडियन स्टूडेंट के मुकाबले में डाउन हो रहा था। तो मुझे अंदाजा हुआ कि शायद इकोनॉमी में इंडिया हमसे आगे जा रहा है। फिर उसके बाद एक और मैंने न्यूज पढ़ी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया विजिट किया और उसका बहुत धूमधाम से रिसेप्शन हुई और वो बड़ी खुशी से इंडिया गया। मैंने कहा ओके, अब वो पाकिस्तान भी जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। मैं हैरान हुआ कि पाकिस्तान पूरी तारीख हिस्ट्री के अंदर जो हमने अपनी सोशल स्टडीज में पढ़ी थी उसमें तो यही था कि इंडिया रशिया का दोस्त है जबकि अमेरिका पाकिस्तान का। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो पाकिस्तान विजिट ही नहीं किया जबकि 1959 से 2006 तक हर बार जब यूएस प्रेसिडेंट ने विजिट किया तो उसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों का विजिट करते थे। और वो पाकिस्तान को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे क्योंकि जो इंडिया था वो तो रशिया के साथ मिला हुआ था, तो और इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो भी इस तरह ओपन नहीं थी जिस तरह अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज चाहते थे, क्योंकि इसकी ज्यादातर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर थी जबकि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी वो प्राइवेट सेक्टर में थी लेकिन वो इतनी मजबूत ही नहीं थी। और शायद इसी वजह से इंडिया उस दौर के अंदर इतनी तरक्की भी नहीं कर सका था क्योंकि उस दौर के अंदर पाकिस्तान इंडिया से वाकई आगे था, तो जो अमेरिकन थे वो इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देते थे। यहाँ तक कि 1971 के अंदर जब उससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कुछ मसले चलना शुरू हुए ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान, तब कई कंट्रीज ने अमेरिका को कहा कि आप पाकिस्तान पर नजर रखें, लेकिन अमेरिका ने कहा मैं नजर नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त थे। उस दौर का जो था प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन वो बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता इंडिया को। उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था हेनरी किसिंजर, उसने तो इंदिरा गांधी और इंडियंस के बारे में बहुत बुरी बातें की है जो आप पढ़ भी सकते हैं, जो बाद में लीक भी होगी। तो वो उस टाइम इंडिया को इंपॉर्टेंस इतनी नहीं देते थे, पाकिस्तान को देते थे। लेकिन अब रियलिटी डिफरेंट थी। मैंने पढ़ा कि बराक ओबामा ने भी इंडिया विजिट किया है, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडिया विजिट किया, फिर जो बाइडन जब आया तो उसने भी पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट को कॉल तक नहीं की। हम तो कई ऐसा इंतजार करते रहे कि वाइस प्रेसिडेंट हमें कॉल करेंगे लेकिन उन्होंने हमें कॉल भी नहीं की। वाशिंगटन में अमेरिकी सफारतखाने में एक अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू में मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क के वजीर आजम को अमेरिकी सदर का फोन न करना समझ से बालातर है। इवन कि उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ कहा कि मुझे लगता है कि ये दुनिया में मोस्ट डेंजरस नेशन है, जबकि इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत खुशी से राय दी, अच्छी राय दी, क्रीमियन के साथ बहुत अच्छे। मगर उनकी कॉल ना करने की वजह भी थी, पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की इमदाद पे बैठा रहा। पाकिस्तान ने खुद इतनी ज्यादा तरक्की की भी नहीं थी सारे अरसे में, उसको लगता था कि अगर उस पर अटैक होगा
तब भी ये सारे मुल्क उसकी मदद के लिए आ जाएंगे, और अगर उसको पैसों की जरूरत होगी तब भी ये सारे मुल्क उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। और वही चीज पाकिस्तान के जिस्म के अंदर अब तक बैठी हुई है, जिसको हमेशा यही लगता है कि मेरे दोस्त मेरी मदद कर देंगे तो मुझे खुद तरक्की करने की क्या जरूरत है। आज भी पाकिस्तान सऊदी अरब, चाइना और इन कंट्रीज पे बैठा हुआ है, उस टाइम भी पाकिस्तान इन्हीं सारे कंट्रीज पे बैठा हुआ था कि ये मेरी मदद कर देंगे। लेकिन जो ही अमरीका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही, उन्होंने पाकिस्तान को कॉल करने की, विजिट करना तो दूर की बात है। लेकिन इंडिया का जो ताल्लुक था रशिया से वो डिफरेंट था। इंडिया इस तमाम अरसे के अंदर खुद भी तरक्की करता था। शुरू में तो उसकी इतनी तरक्की नहीं हुई क्योंकि जो उसकी इकोनॉमी थी वो कैपिटलिस्ट नहीं थी इतनी ज़्यादा, बल्कि वो थोड़ी बहुत सोशलिस्ट टाइप थी कि हुकूमत के अपने कंट्रोल में सारी बड़ी इंडस्ट्री थी और सारे बड़े शोबे हुकूमत के कंट्रोल में थे। लेकिन उसका एक फ़ायदा हुआ कि उससे हुकूमत की जो थे इंडस्ट्रीज और हुकूमत के जो सेक्टर्स थे वो इनफिल्ट्रेट कर गए पूरे कंट्री के अंदर। तो बाद में जब इकोनॉमी कन्वर्ट हुई कैपिटलिज्म के अंदर, तकरीबन ओपन इकोनॉमी के अंदर, तो उसका हुकूमत को ये फायदा हुआ कि ऑलरेडी उसके सेक्टर्स मौजूद थे पूरे कंट्री के अंदर, उन्होंने अच्छी तरह इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे। तो इंडिया और जो रशिया का रिलेशनशिप था वो तो म्यूचुअली बेनिफिशियल था, दोनों को जब फायदा होता था तो वो काम करते थे। पाकिस्तान और अमेरिका का इस तरह का रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि पाकिस्तान डिपेंडेंट हो गया था अमेरिका पे, आज तक कई कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। फिर एक और रियलिटी में मेरे सामने ब्रेक हुई, जो ही पाकिस्तान के अंदर इस अरसे के अंदर सर्दियां आना शुरू होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर गैस नहीं होती। सबको पता है कि 2009 के अंदर, 2009 के अंदर पाकिस्तान और ईरान ने गैस पाइप लाइन बिछा ली, लेकिन अमेरिका ने बाद में सैंक्शन लगा दी ईरान पे कि आप ईरान से कुछ भी नहीं खरीद सकते, ना ही तेल ना ही गैस। लेकिन इंडिया जिसने ईरान के साथ ना कोई गैस पाइप लाइन है ना तेल के लिए कोई डायरेक्ट तेल आ सकता है क्योंकि बॉर्डर कनेक्ट नहीं है, इंडिया की अमेरिका के साथ फ्रेंडशिप इतनी अच्छी होगी कि अमेरिका ने इंडिया को अलाउ कर दिया कि आप ईरान से खरीद सकते हैं, पाकिस्तान जिसके पास गैस है ही नहीं, जिसके लोग रात को ठंड में सोते हैं, उसको अलाउ नहीं किया कि आप ईरान से गैस खरीदें, इंडिया को अलाउ कर। मैं इंडियन स्टूडेंट्स को, जो मेरे दोस्त हैं, उनको अक्सर बताया करता था कि यार लंदन का जो मेयर है सदीक खान वो तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ना सिर्फ पाकिस्तान में तरक्की कर रहे हैं बल्कि बाहर कंट्रीज में भी बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो कुछ ही अर्से बाद एक और न्यू खबर आ गई, इंडियन ने मुझे आके बताया कि भाई यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है इंडियन बन गया है ऋषि सुनक, और उसके अलावा उनकी होम मिनिस्टर भी इंडियन बन गई है, मतलब यूके तो अब तकरीबन चला ही इंडियन है। मैंने कहा लो जी, मतलब सिर्फ लंदन का मेयर था पाकिस्तानी, अब तो पूरा यूके तकरीबन इंडिया के हवाले होगी, इंडियंस के हवाले होगी। मैंने कहा सही है। मेरे जो इंडियन दोस्त है वो मुझे कहते हैं कि भाई ये जो आप सर्च इंजन यूज कर रहे हो गूगल, इसका सीईओ भी इंडियन है, जो माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हो इसका सीईओ भी इंडियन है, आईबीएम का सीईओ भी इंडियन है, जो आप ट्विटर चला रहे हो उसका भी सीईओ इंडियन है, अडोब फोटोशॉप जो आप यूज करते हो उसका भी सीईओ इंडियन है। मैंने कहा यार ये इंजीनियरिंग और आईटी के अंदर कितने ज्यादा इंडियन है, तो उन्होंने मुझे ग्राफ शो किया 2007 का कि अमेरिका के अंदर 13% जो न्यू स्टार्टअप थे सिलिकॉन वैली के अंदर उनके सीईओ इंडियन थे 13%, हालांकि इंडियंस की पॉपुलेशन अमेरिका के अंदर 1% से भी कम थी और 13% स्टार्टअप्स के अंदर वो थे। मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर एक और ग्राफ था जहाँ 26% जो थे बाय कंट्री ऑफ ओरिजिन सीईओस 26% इंडियन थे, बाकी सब जो थे चाइना और बाकी कंट्रीज के वो बहुत नीचे थे। मैंने कहा मतलब आईटी के मैदान में तो इंडिया बहुत ही आगे निकल गया। और किसी भी कंट्री के बारे में अगर वो कंट्री तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में ये इंडियंस के लिए अच्छा है कि उनके इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है, इससे क्या होता है उनकी जो पुअर पॉपुलेशन है वो भी ऊपर आएगी, मीडियम क्लास ज़्यादा होगी। और अच्छी बात है कि अगर लोग किसी कंट्री के खुश रहे, हम कुछ लोगों के बारे में तो कह सकते हैं कि ये बुरे हैं, लेकिन हम एज अ होल कंट्री किसी को बुरा नहीं कह सकते, और बंदे को उनके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। हम खुद अपने कंट्री के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारा अपना दिल करता है कि हमारा कंट्री तरक्की करे, यहाँ पे लोग खुश रहें, और क्या होता है जो पॉवर्टी है वो कम हो, जो डेब्ट है वो ख़त्म हो, तो अच्छा ही सोचना चाहिए। तो इस सब अरसे के अंदर जो थी रियलिटी थी वो मुझे यूं ही नजर आई कि इंडिया बहुत सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान से आगे था, पाकिस्तान से वो स्पेस रेस के अंदर बहुत आगे था, अब मिलिट्री के अंदर वो बहुत स्ट्रांग हो गया, वही अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ हमेशा देता था, जो पाकिस्तान को F-16 भी नहीं बेच रहा था, उसने इंडिया के अंदर अपना F-35 डिस्प्ले किया बेचने के लिए, जो उसके सबसे बेस्ट जहाजों में से एक है, लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया को बेच सकता है। इंडिया का जो प्राइम था डिप्लोमेसी का, प्राइम डिप्लोमेसी का, वो मैंने देखा 2022 के अंदर।
जब रशिया और यूक्रेन की वार हुई, यहाँ पर तो इंडिया ने दो वर्ल्ड सुपर पावर्स के साथ खेला, बहुत अच्छा खेला, मेरे ख्याल में भी बेस्ट प्ले था उसका। इससे आगे मजीद भी मुझे उम्मीद है मुझे देखने को मिलेंगे। अब रशिया ने यूक्रेन पर जब हमला किया तो मुख्तलिफ कंट्रीज ने उसको सैंक्शन कर दिया, यूके ने, अमेरिका ने और कई कंट्रीज ने, कि रशिया अब अपना तेल नहीं बेच सकता उन कंट्रीज को। रशिया के तेल की प्राइस गिर गई तो इंडिया ने खरीदना शुरू कर दिया, और इंडिया वायद कंट्री जिसने सबसे ज़्यादा खरीदा। कंपेरेटिवली तो यूरोप अभी भी ज़्यादा खरीदा, क्योंकि यूरोप ने सिर्फ आधा किया, कम्प्लीट बैन नहीं किया पूरे एक साल के बाद, इंडिया ने इतना नहीं खरीदा। लेकिन इंडिया वो एक कंट्री जिसने अपनी खरीद जो पहले खरीदते नहीं थे रशिया से, यह बहुत कम खरीदता था, उसने ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया, 10 गुना ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया। अब फिर इस तरह की इंडिया ने कि हम इंडिया को शुरू में तो अमेरिका ने भी माना कि उसने कहा इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे बुरे, लेकिन इंडिया ने फिर भी खरीदा। और मजे की बात यह है कि इंडिया ने वही ऑयल रिफाइन किया और अमेरिका भी बेचना शुरू हो गया, तकरीबन 89,000 गैलन पर डे और तकरीबन 1,70,000 गैलन पर डे यूरोप के अंदर भी बेचना शुरू हो गया, जिन्होंने रशिया का तेल बैन किया इंडिया रिफाइन करके उनको बेचना शुरू हो गया। यानी कि जही क्लाइमैक्स था, उसने रशिया को भी फायदा दिया, अपना भी फायदा उठाया और बाद में अमेरिका और उनको भी बेच दिया। प्राइम टाइम था पाकिस्तान बेचारे को तो रशिया ने तेल बेचा ही नहीं है, अभी भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को तेल मिल जाए और उम्मीद है कि मिल जाएगा तेल। तो कई चीज़ें हैं जिसको क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसी चीज़ें और इंडिया के अंदर भी कई ऐसी चीज़ें जिनको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरी वीडियो उस बारे में नहीं थी, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूँ, मैं ऐसे भी दिखाना चाह रहा था कि किस तरह जब आप इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते हैं और जब आप अपोजिट साइड के बारे में पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको एक डिल्यूजन के अंदर डाल दिया जाता है, कि फैंटेसी के अंदर डाल दिया जाता है कि हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन आप जब पढ़ते हैं बाहर से भी तो आपको अंदाजा होता है कि रियलिटी कुछ डिफरेंट है। तो मैं ऐसे इस बारे में वीडियो बनाना चाहता और ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, ये बंदा पाकिस्तान का था लेकिन समझदार लग रहा था, वैसे तो इन जैसे इतने सारे लोग नहीं YouTube पे तो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक बंदा हमें मिल गया कि जो रैशनल सोच रखता है और क्रिटिसिज्म भी ले सकता है, और जो उन्होंने बात की है वो कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, वो सच्चाई है कि इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत ही अच्छा है, हम सभी सेक्टर्स में हमने ग्रोथ किया है, आज से नहीं लेकिन जब से हम आज़ाद हुए तब से धीरे धीरे करके हमने अपने देश को आगे ही बढ़ाया है। पहले रफ्तार कम थी लेकिन जब से 1991 या 92 में हमारी इकोनॉमी ओपन हुई तब से तो हम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वहाँ उन्होंने तो सिर्फ फॉरेन एड पे ही लेकर अपना देश चलाया है, खुद ने तो कोई ऐसा एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, हेल्थ सेक्टर पे भी नहीं ध्यान दिया। तो और इंडस्ट्री का अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं होगा तो आप इंडस्ट्री और आईटी में कैसे ध्यान दे पाएंगे, तो उसकी वजह से वो हमेशा से ही पीछे रहा है। और वहाँ के लीडर्स भी ऐसे ही थे, करप्शन और आर्मी का रूल, तो पाकिस्तान तो तरक्की करने से रहा और आज भी वही हालत है, वहाँ के लोग भी ऐसे है और कई सारे लोग ऐसे है, सभी नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं और उनके लीडर्स भी ऐसे हैं, करप्शन और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं, और जो देश के बारे में सोचना चाहिए वो तो सोचते ही नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे लीडर्स से चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबने देश के लिए तो काम किया ही है, करप्शन हमारे यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन फिर भी जो देश की ग्रोथ होनी चाहिए वो भी हुई है हमारे यहाँ। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।